टॉपिक था रिफ्रैक्शन एंड कर्व्ड सरफेस। सर वो माइनस यू का रीजन पता चला था, भूल गया सर, मैंने एचसीवी में देखा था वो। हाँ एचसीवी में देखा तो सर उसमें रेशियोस लिए थे इसलिए वो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, जबकि हमें साइन कन्वेंशन के साथ चाहिए इसलिए डाल दिया सारे साइंस। मतलब उसमें भी क्लियरली बताया नहीं था, उसमें बोला साइन कन्वेंशन फॉलो करना है इसलिए। तो एक बार वो देखता हूँ मैं, फिर से मैं भूल ही गया था। अच्छा इस पर हमने ये फॉर्मूला लगाया था और फॉर्मूला में साइन के साथ पुट किया था यू और वी को, और फिर कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास का। मैंने नोट शेयर किया था क्या ग्रुप पे? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पर एक स्फीयर है से, इस स्फीयर का रेडियस है 30 सेंटीमीटर एंड म्यू इज 2, और साइड में दो आदमी है वो वाला, म्यू इज 2। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। अगर मान लो इधर कोई आदमी खड़ा है तो उसको इमेज कहाँ दिखेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है। एज्यूमिंग पैरा एक्सियल रेज ओनली। सर इस क्वेश्चन में पैराएक्सियल बोल रहे थे, हम लोग ग्लास स्लैब मान सकते हैं क्या? नहीं 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 ग्लास स्लैब हम लोग तभी मानेंगे जब आर एफ आई नहीं। देखो पैराएक्सियल हम लोग का जो ये फॉर्मूला है ना, एक मिनट, ये फॉर्मूला हमने किसके लिए प्रूफ किया है? पैराएक्सियल रे के लिए प्रूफ किया है, तो इसलिए मैं पैराएक्सियल, हाँ कर्व सरफेस प्लस पैराएक्सियल होना चाहिए, क्योंकि हमने साइन आई को टेन आई बराबर लिखा था, राइट? That is I और R हमने माना था कि काफी small है, तो इसलिए जो भी formula जो हम लोग apply कर रहे हैं वो paraxial rays के लिए ही है। इसलिए मैंने क्या बाहर refractive index one है, हाँ दोनों सही। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये जो आदमी साइड है येलो वाला, उसको कहां पर दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, उसको क्या लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कहां है?
फॉर्मूला लगा दिया था सरफेस वन सरफेस टू. सरफेस वन के लिए यू क्या होगा? यू क्या होगा? माइनस 100. आर क्या होगा? आर प्लस 30 या माइनस 30? प्लस 30, क्योंकि इस पॉइंट से हम लोग मेजर करेंगे तो सेंटर राइट साइड में है, तो प्लस 30. म्यू टू किसको लेंगे, वन या टू को? सर वन. म्यू टू इज, म्यू टू टू होगा, म्यू वन वन होगा, क्योंकि रेज यहां से आ रहा है ना, तो इंसिडेंट रे का मीडियम दैट इज म्यू वन. ओके सर. और जिसमें जाएगा दैट इज म्यू टू. तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, म्यू टू बाई वी माइनस, ओके कैंसिल है, माइनस 810 बाई 17, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. तो यहां से आएगा 2 बाई वी प्लस 1 बाई 100 इक्वल टू 1 बाई 30, या फिर 2 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 100 300, 10 माइनस 3. और दिस इंप्लाइज v इक्वल्स 2 कैसे लेना है, डिसाइड कैसे किया, किसको 2 कैसे लेना? इसका मतलब है 600 बाई 7 कितना होगा, 90 के आसपास, 7 9 जा 85 86 ऐसा कुछ होगा. इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितना है, 60. तो ये कहीं बाहर बन रहा, कहीं यहाँ इमेज बना रहा होता, राइट? लेकिन क्या हुआ, फिर से सरफेस टू पे डिफ्रैक्शन हो जाएगा. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, वी आया 600 बाई 7. अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 600 बाई 7 माइनस 60, 7 6 54 लगाएंगे क्या? नहीं, आ रहे हैं, एक मिनट रुको. तो ये क्या हुआ, 60 बाई 7. एपरेंट डेप्थ तभी लगाते हैं जब ग्लास स्लैब हो, पैरेलल हो. पैरेलल नहीं है तो हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा. नहीं सर, वो पॉइंट के लिए, बस वो पोल के लिए सर. नहीं, वो तो है बहुत छोटा, नहीं उसके लिए भी नहीं लगाएंगे. अब देखो जो सरफेस टू है उसके लिए यू कितना हो गया, उसको क्या लगेगा सरफेस टू को, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लोकेटेड है इस वाइट डॉट पे. तो सरफेस टू के लिए यू जो हो जाएगा दैट इज 60 बाय 7. फर्स्ट, हाँ आपने वो, अच्छा 60 वैसे लिया क्या, 2r इज इक्वल टू, हाँ 2r 60 लिया ना. ओके ठीक है. तो सर 600 बाय 7 माइनस 60 तो 180 बाय 7 आएगा. 7 6 42 60 अच्छा वो पहले आ गया. इसके लिए आर क्या लेंगे, प्लस 30 या माइनस 30? माइनस थर्टी. म्यू टू क्या होगा, म्यू वन क्या होगा? म्यू वन होगा, म्यू वन वन होगा, म्यू वन वन, म्यू टू वन होगा. देखो रे कहाँ से जा रहा है, इंसिडेंट रे, हाँ तो म्यू वन टू होगा और म्यू टू जो होगा वो वन होगा और आर जो होगा वो माइनस 30 होगा. तो इंसिडेंट रे तो बाहर है ना ग्लास में. नहीं, तुम सरफेस टू पे लगा रहे हो ना, तो सरफेस टू पे तो ये तो इंसिडेंट है ना, ये वाला
सरफेस टू के लिए तुम्हारा इंसिडेंट रे कौन सा हुआ? ये वाला, ये रे आ रहा है ना ऐसे घूम के, यस सर, ठीक है. तो म्यू म्यू टू इज वन एंड म्यू वन इज टू, ये इंसिडेंट रे का मीडियम होगा. तो हमारे पास ये आ गया. अब फॉर्मूला लगा दो, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. तो ये बन गया, दिस इंप्लाइज वन बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थर्टी, दैट इज वन बाई थर्टी प्लस सेवन बाई नाइनटी. तो थ्री प्लस सेवन टेन बाई नाइनटी, और दिस इंप्लाइज वी इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर. तो फिर यहां से 180 बाई 7 कितना होगा, 7 यहां से यहां पे बन जाएगा इमेज ऐसा कुछ. ये मेरा फाइनल इमेज होगा, रेड डॉट. फाइन, इजी था. सर वो आदमी को देखना चाहिए है ना. हाँ, क्या दिक्कत है? तो इमेज उसके पास होगा, आदमी का डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा दिखेगा. यहां से जो रे आ रहा है वो उसको यहां पर आ रहा आ गया. देखो यहां पर क्या क्या हुआ, सरफेस 2 के लिए क्यों लगाया, कैसे लगाया वो वापस बताऊंगा सर. और यू वो कैसे आया, 180 बाय 7 को यू क्यों लिया? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है, ये तो दिख रहा है. अच्छा यहाँ पर देखो, मेरा जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ सरफेस वन पे, उससे मुझे आया कि वी जो है वो 600 बाई 7 है. तो मेरा जो रे आ रहा था वाइट वाला रे, अगर मान लो सरफेस टू नहीं होता तो रे कहाँ जाके मीट करता, यहाँ से 600 बाई 7 पे, ठीक है. तो अगर मैं सरफेस टू नहीं होता तो 600 बाई 7 पे मीट करता, बट लाइट आ रहा है ये वाइट वाला लाइट आया 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 आया, यहाँ पर उसको सरफेस टू मिल गया, ठीक है. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वाइट वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा. तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ इस सर्फेस से, हम लोग डिस्टेंस जब हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से. तो यहां से ये देखो, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 60 है और ये डिस्टेंस है 600 बाई 7. तो वो डिस्टेंस कितना बचा, 600 बाई 7 माइनस 60. फाइन, तो सरफेस टू से वी क्या निकला, वी आया, हाँ सर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो. हाँ सर सही, ठीक है. फाइन, आ गया सबको. कौन सा मीडियम वन लेना है, कौन सा मीडियम टू लेना है, ये क्लियर हुआ या नहीं? मतलब सर आपने जो डॉटेड लाइन निकाली वो उसका अपेरेंट पोजीशन था क्या इमेजेस का? हाँ, अगर सरफेस टू नहीं होता तो इमेज वो वाइट सर्कल वाले पे बनता, अगर सरफेस टू नहीं होता तो. लेकिन सरफेस टू है तो वो क्या किया, लाइट को बेंड पर वापस बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सर जो रेड डॉट है वहां पे दिखेगा क्या? हाँ, रेड डॉट मेरा फाइनल इमेज होगा. सो मतलब रियल होगा. हाँ, वहां पर एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है. क्योंकि अगर तुम एक रे ऐसा ले लो नीचे से, यहाँ से ऐसा एक रे ले लो, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा. और ये यहाँ पे इमेज बनाएगा. सर 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर या फ्रॉम द लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? हाँ, पोल्स, पोल से, पोल से, हाँ, पोल से 9 सेंटीमीटर इस पॉइंट से. फाइन, यस, ओके. किसी को कोई डाउट?
सर एक बार आप ब्रीफ में बता सकते कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते तो आंसर राइट कैसे आ जाता है? देखो ना सीन क्या है, देखो जैसे तुम प्लेन मिरर समझो तुमको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, जैसे ये तुम्हारा प्लेन मिरर है ठीक है, हाँ सर, अगर यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है तो ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा क्या? दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज क्या? उसको तो वर्चुअल नहीं, नहीं इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मैं ये इंसिडेंट रे मान रहा हूँ, इंसिडेंट रे मान लो ऐसा आया तो ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब इस मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, okay. ये है मेरा ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ पे। तो देखो रे फॉर्म, रे डायग्राम देखो, ये रे यहाँ पे बाउंस करेगा इधर, ये रे इधर बाउंस करेगा और यहाँ पर मेरा इमेज बना देगा, तो ये रियल इमेज बनेगा ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों मिरर से बाउंस किया हुआ है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन इज इमेज और इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑब्जेक्ट। अगर वो सही में इंटरसेक्ट किया तो रियल ऑब्जेक्ट, सही में इंटरसेक्ट नहीं किया तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फाइन सर, आप एक मिनट थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? ओके सर, तो जो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से कैसे करना सर, ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्ज भी करती है ना, तो उसको तो हम लोग रियली मानते हैं इसमें कन्वर्ज करने को। हाँ तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आइदर इंसिडेंट रे वहां से निकल रहा हो या इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रहा हो, दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके सर, इंसिडेंट रे जो भी है दैट इज ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे जो भी है दैट इज इमेज। फाइन डन, ओके। नेक्स्ट हेडिंग दो, थिन लेंस। हम लोग थिन लेंस का बात करेंगे, थिक लेंस इसके बाद। थिन लेंस, थिन लेंस मतलब ये जो गैप है, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस डी, डी इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, हम लोग इसका बात कर रहे हैं अभी। तो थिन लेंस हमें छह टाइप के पढ़ने हैं। फर्स्ट वन जो तुम लोग कॉन्वेक्स पढ़ रहे हो, फिर ऐसा भी हो सकता है, उसके बाद इस टाइप का भी हो सकता है बाई कॉन्वेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। नेक्स्ट वाले को बोलते हैं, पहला सरफेस क्या है, प्लेन है एकदम स्ट्रेट है, दूसरा वाला कॉन्वेक्स है, तो दूसरे वाले को बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स। प्लानो कॉन्वेक्स नाम याद रखना है। थर्ड वन इज कन्वेक्स मेनिस्कस। क्या? कन्वेक्स, कन्वेक्स मेनिस्कस, MENIS सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना प्लीज। अच्छा ऊपर, ये बाय कॉन्वेक्स तो, हाँ सर थैंक यू, बस टॉपिक कॉन्वेक्स की तरह ही दिख रहा है। हाँ ये तीनों कॉन्वेक्स ही हैं बेसिकली, कॉन्वेक्स का टाइप से। बाय कॉन्वेक्स में क्या अलग है? बाय कॉन्वेक्स में क्या है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, तो r1 इज इक्वल्स टू r2। मैग्नीट्यूड वाइज मॉड ऑफ आर वन इक्वल टू मॉड ऑफ आर टू। अच्छा इसमें कौन सा बड़ा है, आर वन आर टू में अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात करूं तो कौन सा बड़ा है? सर आर वन, आर टू बड़ा है, आर वन बड़ा है, आर वन बड़ा है सर, आर वन बड़ा है। देखो एक बड़ा स्फीयर बनाओ और एक छोटा स्फीयर बनाओ,
और एक छोटा स्पेयर इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखो ये मेरा बाई कन्वेक्स बन गया क्या, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, हाँ कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन गया ये, ठीक है। तो जो पीछे वाला है वो छोटा है मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पर क्या है R2 is less than R1। वैसे देख के भी लग रहा है ना ये बड़ा सा रेडियस दिख रहा है ऐसा, R1 वाला या R2 वाला ऐसा दिख रहा है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है आदित्य, तुम्हारा बहुत आवाज वो कर रहा है। डन। इसके अलावा कंकेव में तीन टाइप का पढ़ना है, सिमिलरली बाई कंकेव, इसमें भी R1 R2, तो mod of R1 is equals to mod of R2 biconcaves। मतलब biconvex और biconcave मतलब ये regular concave और convex things है। हाँ regular जो है जो तुम लोग पढ़ रहे हो। This one is plano concave, plano concave, and the last one aisa maan lo straight ka, so kya bolenge concave meniscus, meniscus रेडियस सेम है क्या कॉनकेव मेनिस्कस। हाँ मतलब अगर तुमको ये जो डायग्राम होता है ना, मतलब कभी कभी तुमको डायग्राम से भी तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं R1 R2 का बात करूँ तो यहाँ पर सेम है, सेम नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो डायग्राम इज टू स्केल ऐसा भी हो सकता है, इसको थोड़ा और थिन बना सकते हो ऐसा। तो कौन सा बड़ा होगा, पहला वाला सर्फेस का बड़ा है ना। तो मतलब वो डायग्राम पे डिपेंड कर, मेनिस्कस क्यों मिटा दिया। तो दोनों के अलग फॉर्मूला सुनते क्या, मतलब मेनिस्कस के सब टाइप्स होंगे क्या। हाँ देखो जैसे मान लो ऐसा है ना, प्लानो कन्वेक्स है, ऊपर वाला क्या है प्लानो कन्वेक्स ऐसा है, ये भी हो सकता है प्लानो कन्वेक्स ऐसा, ये भी है प्लानो कन्वेक्स। पर कॉनकेव मेनिस्कस का वो स्फीयर वाला डायग्राम बना के दिखाओ ना, दो स्फीयर कैसे। एक मिनट एक मिनट, प्लानो कॉनकेव जो होता है वो ऐसा भी हो सकता है इस टाइप का। प्लानो किसका बना के दिखाओ, कॉनकेव मेनिस्कस का, कॉनकेव मेनिस्कस का देखो ऐसा है, मान लो ये उसको थोड़ा और शिफ्ट कर दीजिए। हाँ यहाँ पर ऐसा कर लो, अगर से ऐसा कुछ तो ये वाला तुम्हारा काइंड ऑफ बन गया ऐसा, ठीक है। ये सर तो ये कॉनकेव में कॉनवेक्स मेनिस्कस जैसा ही नहीं, एक मिनट में रुक जाओ, रेडियस सेम करना पड़ेगा। ये ऐसा है और एक और, अगर मैं सेंटर सेम होगा क्या, ऐसा कुछ कर लो ना, सेंटर सेम करोगे तो फिर ऐसा कॉन्वेक्स जैसा बन जाएगा ना। तुम क्या करो, अरे इसको मैं कैसे बनाता था, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं ना, ये ऐसा है ऐसा और ये ऐसा है, लेट्स
नाइस वो थोड़ा पैरेलल शिफ्ट किया है फिर उसको मतलब पैरेलली कट कर दिया है ऊपर नीचे से सो वैसा ही हो गया कन्वेक्स मेनिस्कस को ऊपर नीचे से कट कर दिया उसका एज हाँ सर वही पूछ रहा हूँ कॉन्वेक्स मेनिस्कस को कट किया तो यही बनेगा मेनिस्कस है उसमें राइट साइड से लाइट आएगी ना कॉन्वेक्स वाले में दोनों इसको तुम क्या दिक्कत है इधर से पलट दो तो बेसिकली एक एक दो टर्म और होता है ऐसे ये वाला ऐसा इस टाइप का इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स कॉनकेवो कॉन्वेक्स ये अंदर वाला जो रेडियस है ना वो बड़ा है ये वाला येलो वाला का रेडियस बड़ा है फिर सिमिलरली ऐसा भी बोल सकते हैं हाँ उसी टाइप से है बस नाम थोड़ा डिफरेंट है इसको ऐसे बना दिया कॉन्वेक्स हो कॉन्वेक्स क्या ये कौन की वो कॉन्वेक्स क्या है नाम है इस इसका बस तुमको नाम याद रखना है बेसिकली ये कॉनकेव मेनिस्कस और ये भी डिराइव करेंगे क्या क्या जो फॉर्मूलाज होंगे वो कौन-कौन से लेंसेस के लिए करेंगे हम लोग करते हैं फॉर्मूला एक्चुअली बस एक ही फॉर्मूला है वो सबके लिए एप्लीकेबल है जनरल फॉर्मूला हां ये वाला देखो कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्या ये दोनों सेम है हां सर घुमा दिया है बस बस घुमा दिया भाई कुछ भी नहीं है तो फिर कॉनकेव मेनिस्कस और कॉनवेक्स और कॉनकेव में क्या फर्क है किसमें कॉनकेव मेनिस्कस और कॉनवेक्स और कॉनकेव उसमें रेडियस दोनों सेम दोनों इसमें अलग है नहीं बस नाम चेंज है बस नाम है और कुछ भी फर्क नहीं है मतलब तो फर्क होगा ना तो नया नाम क्यों बनाएंगे डायग्राम में सर या फिर उसी लेंस का दूसरा नाम है उसी लेंस का दूसरा नाम है बेसिकली ओके फिर मतलब कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी दूसरा नाम ही है या हाँ हाँ उसको तुम इधर से घुमा दो तो वही बन जाएगा अच्छा ठीक है बेसिकली वही छह टाइप का मैंने स्टार्टिंग में छह टाइप का लेंस है ये तुम्हें पढ़ना है बस Fine, done. अब next. Yes, sir. कुछ कॉमन टर्म देख लेते हैं और वही हम लोग का चलते रहेगा सारे लेंस में जैसे ये जो लेंस का मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकस ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ठीक है और जो भी डिस्टेंस होगा हम लोग उस कहां से मेजर करेंगे ऑप्टिक सेंटर से तो अगर मैं इस सरफेस के लिए देखूं तो इस सरफेस के लिए आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इस वाले सरफेस के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव ये इस सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है ना और अगर बाद वाले सरफेस के लिए देखें तो आर क्या होगा नेगेटिव तो बेसिकली अगर मैं पहला सरफेस ऐसा देखूं तो इस सरफेस के लिए लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और जो पीछे वाला सरफेस है उसके लिए हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ सर एक सेट और से ऊपर जाएंगे क्या और हाँ। थोड़ा सा ऊपर सर मतलब वो डायग्राम Thank you, sir. Done. तो ऑप्टिकल सेंटर पोल जैसा ही हाँ पोल जैसा ही हो गया हाँ वो डायग्राम हो गया ना यस सर ठीक है ये अपना पोल जैसा ही हो गया अब कुछ रूल्स हैं जो तुम लोगों को पता है
कि जैसे जो रे आता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो कहां जाता है लेंस के लिए फोकस हर हाँ, लेंस के लिए सेम ही है हां हर लेंस के लिए सेम है ऊपर कीजिए ना अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो कहां जाता है फोकस पे पैराएक्सियल अज्यूमिंग दो फोकस होता है एक F1 और एक F2 इक्विडिस्टेंट पे F1 को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फोकस और यही अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो क्या होता सर डाइवर्ज करते डाइवर्ज करते हाँ अगर मेरा रे यहां से आया तो ये डाइवर्ज करते हैं अच्छा इसमें एक कंडीशन है कंडीशन क्या है कि ये म्यू वन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है तो हम लोग एज म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन होना चाहिए तब हम लोग ये चीज बोलते हैं इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है म्यू वन है अगर म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन है तब ये कंडीशन है अगर चेंज होगा तो अलग हो जाएगा हम लोग आज ही देखेंगे वो तो इस पॉइंट से ये राइट में है तो राइट जो भी राइट में होगा वो क्या होगा पॉजिटिव फाइन और जो दूसरा वाला सरफेस है वो क्या बोलोगे वो इस स्फीयर का पार्ट है इस स्फीयर का पार्ट है ओके समझो ठीक है अच्छा यहाँ पर हमने दो टर्म डिफाइन किया F1 और F2 तो F1 इज प्राइमरी फोकस F1 इज प्राइमरी फोकस एंड F2 इज सेकेंडरी फोकस अरे किस साइड से रे आ रही है उस पर डिपेंड करता है हाँ जैसे कॉन्वेक्स लेंस में जिधर इमेज बन रहा है ना मतलब अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो उसके राइट साइड में ये वाला जो है F1 मेरा प्राइमरी फोकस है अगर इधर से रे भेज देते हैं तो ये F2 जो होता है वो प्राइमरी फोकस होता है बेसिकली जहाँ पर पैरेलल रेज आए और इंटरसेक्ट करे दैट इज प्राइमरी फोकस और दूसरा वाला सेकेंडरी हो जाएगा लेकिन दोनों का लेंथ क्या है इक्वल है Then? तो कौन के में भी मार्क कर दे F1 F2 हाँ उसमें भी मार्क कर सकते हो इसमें ये होगा प्राइमरी फोकस और ये होगा सेकेंडरी फोकस और ये जो रे होता है वो फोकस से डाइवर्स करता है बट एज सच प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस का कभी यूज आता नहीं है हमें बस प्राइमरी फोकस ही पढ़ना होता है हर बार सेकेंडरी फोकस का यूज कभी नहीं होता बट वही न्यूटन्स फॉर्मूला देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा यूज आएगा कि हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं एक प्राइमरी फोकस पे और एक सेकेंडरी फोकस पे जैसे x1 x2 equal to f square पढ़ा था ना वो लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है तो अगर रे मेरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया तो वो फोकस पे कन्वर्ट्स करेगा इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया तो डाइवर्ज करेगा फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस नेक्स्ट इज अगर रे मेरा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द फोकस तो क्या होगा लेट्स से फोकस की तरफ डायरेक्टेड है पैरेलल जाएगी इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सर वो प्लेनो वगैरह में कैसा होगा प्लेनो कॉन्वेक्स और उसमें अरे
उसमें भी सेम चीज रहेगा अगर यही चीज फॉलो होगा. उसका फोकस, बस फोकस का फॉर्मूला हम लोग अलग रखेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, बाकी सब कुछ सेम चलेगा. एक मिनट यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये रे इधर बेंड करना चाहिए था ना. एक मिनट वेट, वही सर डाइवर्ज कर गया वो. हाँ, अगर प्राइमरी सेकेंडरी फोकस से आएगा मेरा डे कॉन्वेक्स में इधर बेंड करता है, तो अगर मेरा इधर आया तो फिर क्या होगा? अभी पैरेलल जाएगा अभी, लेकिन फिर से ये इधर मुड़ जाएगा ना. इधर नहीं मुड़ना है मुझे, कॉन्वेक्स में हमेशा इधर मुड़ना है सर. उधर नहीं मुड़ेगा सर, नीचे की साइड है ना. उसका पाथ उल्टा कर दो. अच्छा ये इधर, हाँ ठीक है ठीक है ओके. ये यहाँ से इधर बन रहा है, ठीक है ठीक है ओके. तो कॉन्वेक्स में हमेशा इस साइड बेंड करेगा ऐसा. F2 कन्वर्ज करेगा. और अगर यही कॉनकेव होता तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि अगर इसकी तरफ डायरेक्टेड है F2 की तरफ तो ये ऐसा हो जाता इधर. ये कन्वर्ज करना वाला था बट अब डाइवर्ज कर गया थोड़ा सा. सर उनको और वाइड किया तो वो इंटरसेक्ट करेंगे क्या कॉनकेव लेंस में? हाँ हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है. अगर तुम फोकस की तरफ, जैसे मान लो ये है, अगर लेकिन अगर फोकस की तरफ ही डायरेक्ट किए हो तब तो वो नहीं करेंगे. लेकिन अगर फोकस की तरफ नहीं है, कहीं और है, फिर हो सकता है कर सकते हैं. डन सर, लेंसेस के लिए भी हम लोग पैराएक्सियल ही मान रहे हैं. हाँ लेंसेस के लिए हम रेस पैराएक्सियल ही मानेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे, तो वहां पर भी हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला इक्वल टू साइन आई इक्वल टू आई. वो नहीं नहीं नहीं, हम लोग वहां से नहीं उस फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हम लोग दूसरी जगह से डिराइव करेंगे. कुछ फॉर्मूला है जो हमारे पास, उसका एप्लीकेशन करेंगे. हां बस प्राइमरी फोकस से डायवर्ट किया तो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस में अगर प्राइमरी फोकस पे डायरेक्ट किया ऐसा, हाँ सर, तो ये और इधर बेंड कर जाएगा. अच्छा कहाँ पर बेंड करेगा वो पता नहीं, फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा. फाइन कोई दिक्कत? सर हर टाइप के लेंस के लिए अलग फॉर्मूला है क्या? नहीं फॉर्मूला सबके लिए सेम है, बस फोकल लेंथ अलग अलग आएगा डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड. अच्छा यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि म्यू वन है, ये म्यू टू है, तो म्यू टू शुड बी ग्रेटर देन म्यू वन, तभी ये चीज होगा. म्यू टू शुड बी ग्रेटर देन म्यू वन. अगर नहीं होगा तब क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट हेडिंग दो, लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला, तो जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर कॉनकेव एज वेल. कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस, सबके लिए यही एप्लीकेबल है. तो लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है at a distance u, इसका radius of curvature है r1, इसका radius of curvature है r2,
लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, इधर म्यू वन, इधर म्यू वन. तो पहला सरफेस, दिस इज सरफेस वन एंड दिस इज सरफेस टू. तो जब राइट आएगा तो पहले वो सरफेस वन पे रिफ्रैक्ट करेगा. तो सरफेस वन पे फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, वी वन लिखा इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन. राइट, कोई दिक्कत? तो ये मान लो कि अगर सरफेस टू नहीं रहता तो ये लेंस क्या करता, ये जो पहला वाला सरफेस है वो क्या करता, रे को कहीं इधर डायरेक्ट कर देता सच दैट दिस डिस्टेंस इज वी वन. तो मेरा इमेज यहां बन जाता. फाइन. लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सरफेस टू भी है. सरफेस टू के लिए क्या होगा, सरफेस टू, सरफेस टू के लिए म्यू टू का काम कौन करेगा, सर वी वन, म्यू वन बाई फाइनल, वेल फाइनल इमेज माइनस म्यू वन. म्यू वन का काम कौन करेगा, म्यू टू बाई यू, यू इज वी वन इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. कोई दिक्कत? सो वी क्या है, वी, वी इज फाइनल. इसे ये है, मान लो यहां से रेना ऐसा बेंड किया और यहां पर फाइनल इमेज बनाया, तो वी इज फाइनल इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन. ओके, हमने माइनस ऑफ आर टू क्यों किया, आर टू मैंने निगेटिव माना है. अच्छा, ये हर जगह प्रॉब्लम हो रहा है ना. ऊपर वाला डायग्राम दिखा सकते हो क्या, दो में कौन सा सर, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये हो गया, एक मिनट आ रहा हूँ उस प्रॉब्लम पे. क्या है भाई, आर टू को मैंने निगेटिव ले लिया लेकिन फिर भी हाँ सर बाद में जब पुट करेंगे तो बाद में ये करते हैं भाई. हाँ ऐसे तो ऊपर यू वी माइनस यू लिख देंगे ना, बट वो तो फॉर्मूला ऐसे डाल देते हैं. क्या 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 सर, वो जो फर्स्ट केस था हमारा एस वन के लिए तो उसमें यू भी तो नेगेटिव है ना. यू भी तो नेगेटिव है, मतलब अगर आर टू माइनस के साथ डाल रहे हो तो यू भी तो नेगेटिव है ना. एस वन यू भी नेगेटिव है, एनसीईआरटी में ऐसे ही डिराइव किया क्या वो, हाँ वो डिस्टेंस के, मतलब वो तो क्या किया, डिस्टेंस के फॉर्म में डिराइव किया, ओ ए ओ बी ऐसा मान लिया है. अगर मैं आर को निगेटिव नहीं डालू फिर क्या फर्क पड़ेगा, आर को मैं यहाँ पे निगेटिव नहीं डालता हूँ. चलो ऐसे आर को एक बार निगेटिव नहीं डालते हैं, अब ऐड कर देता है दोनों इक्वेशन को, मतलब अभी मैं साइन कन्वेंशन नहीं डाल रहा हूँ. राइट, अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ. म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई वी वन, ठीक है. अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, म्यू वन बाई म्यू वन वन बाई म्यू वन माइनस वन बाई यू माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है. तो म्यू वन को नीचे ले आओ, म्यू वन को कॉमन ले लो, तो हमारे पास बन जाएगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, म्यू वन बाई म्यू वन वन बन गया इंटू वन बाई, एक मिनट यहाँ पर क्या आएगा,
म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू. तो बाई आर वन माइनस ये वाला टर्म क्या बनेगा सर, उसमें प्लस u1 by mu2 by r2 आएगा ना, क्योंकि ऐड की ऐड नहीं किया. एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, फिर से कर देता. इन दोनों इक्वेशन को बेसिकली मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट सेकंड. अगर मैं ऐड करूँ तो mu2 by v1 और ये mu2 by v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा mu1 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r1 plus mu1 minus mu2 by r2. तो mu1 common ले लो, तो 1 by v minus 1 by u times of mu1 equal to mu2 minus mu1 1 by r1. अच्छा यहाँ पर plus 1 by r2 का problem आ जाएगा. अच्छा नहीं ठीक है, यहाँ पर माइनस बन जाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अभी सही है. हाँ देखो, अभी हमने साइन कन्वेंशन कुछ नहीं पुट किया. अब यहाँ पर हमारे पास बन गया, दिस इम्प्लाइज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. म्यू वन को नीचे ले आओ तो म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू. आर वन आर टू सेम है तो जीरो हो जाएगा सब कुछ. आर वन आर टू सेम कैसे होगा? आर वन पॉजिटिव होगा, आर टू नेगेटिव होगा. साइन कन्वेंशन पर वो तो नहीं लिया था ना, बाद में ये देखो कहाँ साइन कन्वेंशन नहीं लिया मैंने. आर टू को भी सीधा आर टू लिया था और यू को भी सीधा यू लिया था, मैंने साइन कन्वेंशन नहीं पुट किया अभी. फाइन, इस चीज को हम लोग लिख देते हैं म्यू रिलेटिव माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू. और ये वाला टर्म बताओ क्या है? उसको भी यहीं से प्रूफ कर सकते हैं, उसको अलग तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं. देखो यहाँ से कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस, फोकस पे. तो अगर मैं यू को इन्फिनिटी पुट करूं तो वी इक्वल टू एफ, राइट? तो वन बाई वी, तो यहाँ पे क्या बन गया, वन बाई एफ माइनस वन बाई माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू. तो यहां से आ गया, दिस इंप्लाइज 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इनटू 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2. फाइन, कहां से नोट करना है? सरफेस वन समझ, लास्ट वाला साइन कन्वेंशन माइनस लेते तो क्या आता? साइन कन्वेंशन माइनस लेते तो माइनस यू भी लेते तो वहां पर फिर अपना वही बन जाता फाइनली. U को भी तुम माइनस लेते. वैसे अभी हम साइन कन्वेंशन नहीं लिया है प्रॉपर. U को अगर U नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पुट करेंगे, V नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पुट करेंगे, R1 R2 भी. पिछले डेरिवेशंस में वो प्रॉब्लम आया था. पिछले डेरिवेशन में हाँ, एक बार वो देखता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम आया है. प्लस माइनस हमने पहले ही पुट कर दिया था. आंसर तो सही है. एक मिनट रुक जाओ, उसका डेरिवेशन देखते हैं क्या प्रॉब्लम था. सर सेम कैसे आएगा, मतलब उसमें म्यू टू प्लस म्यू वन बाय यू हो जाएगा. म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन और वहां पर अच्छा वो प्लस में आ जाएगा ना, प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर टू आ जाएगा. वो नहीं ठीक है, अब वो अलग हो जाएगा. पर नोट है ना, कर रहे आप नहीं नहीं, अगर वहां पर हम लोग साइन कन्वेंशन पहले ही ले लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता. किसी ने जोल करके फॉर्मूलास बनाए थे तो पिछले वाले फॉर्मूला में दिक्कत की नहीं? हाँ पिछले वाले फॉर्मूला का एक बार वही मैं देख रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. पिछले वाले फॉर्मूला में हमने साइन कन्वेंशन पहले ही पुट कर दिया था.
सर एक मिनट ये लिखना हाँ नोट कर लो सर अगर साइन कन्वेंशन इसमें इस्तेमाल करते भी तो फॉर्मूला थोड़ा अलग आता ना क्या 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 साइन कन्वेंशन डालते तो थोड़ा फॉर्मूला अलग आता हाँ नहीं साइन कन्वेंशन नहीं साइन कन्वेंशन डालेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा मैं पिछला वाला भी ना एक बार फिर से वो प्रूफ करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में उसमें भी हो सकता है बिना साइन कन्वेंशन कहीं आ जाए Then, तो ये फॉर्मूला जो है ना इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला इसको ये नाम ऐसा क्यों दिया क्योंकि ये लेंस के लिए जब हम लोग लेंस बना रहे हैं दो अलग अलग सरफेस के लिए तो उसका हम लोग का लेंस बन रहा है ऐसा कुछ नाम दे दिया लेंस मेकर फॉर्मूला क्वेश्चन ये कॉन्वेक्स लेंस है इसका म्यू है 2 बाहर का म्यू है 1 इसका रेडियस 20 इसका रेडियस 30 बताना है फोकल लेंथ क्या होगा कौन से साइड का फोकस कौन से साइड लेफ्ट साइड वाला फोकस है राइट साइड लेफ्ट साइड वैसे दोनों सेम ही आएगा मॉड ऑफ f1 इक्वल टू मॉड ऑफ f2 सर रेडियस अलग अलग है दोनों के हाँ सर तो फोकस सेम कैसे है अच्छा वैसे हाँ समझा सॉरी करके देख लो सर 30 सेंटीमीटर ओके आंसर है 30 सेंटीमीटर बाकी तो क्या करेंगे 1/f = 12 सेंटीमीटर आएगा 12 सेंटीमीटर हां सर r1 कौन सा लेंगे और r2 कौन सा लेंगे r1 इज पहला सरफेस r2 दूसरा सरफेस तो r1 इज +20 माइनस r2 इज -30 तो यहां आ गया 2/1 -1 दैट इज 1 * 1/20 +1/30 दैट इज 3 +2 और f आ गया 60/5 that is 12 centimeter. Sir, अगर mu2 less than mu1 है तो फिर भी ये formula valid है. हाँ, formula valid है. अब देखो problem वहाँ पर क्या बनेगा scene. मतलब next question उसमें ही था. ऐसा. Sir. तो आप एक बार ये एक्सप्लेन करोगे कि कौन सा वाला म्यू कब लेना है मतलब समझा नहीं है कौन सा वाला म्यू मतलब ये जो ग्लास का मीडियम है ना हाँ जो मेरा लेंस है वो मेरा म्यू टू होगा और जो बाहर वाला मीडियम है दैट इज म्यू वन तो मतलब हमेशा मैं म्यू टू बाय म्यू वन तो इसमें तो हमें कहीं पैराएक्सियल की जरूरत नहीं पड़ी तो अच्छा ये पैराएक्सियल की जरूरत नहीं पड़ी मैंने ये फॉर्मूला यूज किया सरफेस 1 और सरफेस 2 के लिए इस फॉर्मूला के डेरिवेशन के लिए हमने पैराएक्सियल ठीक है हां और दूसरा क्या डाउट था सर r1 और r2 कैसे लेंगे हां r1 जो होगा वो पहला सरफेस r2 जो होगा वो दूसरा सरफेस पर लाइट लेफ्ट से पास कर रही हो थोड़ी पता है हम लोग अज्यूम करेंगे अगर कुछ भी नहीं दिया है ना तो लाइट से अज्यूम करेंगे कि लेफ्ट से ही आ रही है राइट से पास होती तो कुछ अलग आता फोकस
नहीं फोकल लेंथ सेम ही आता ना, क्योंकि तुम क्या करते हैं 1/r1 - 1/r2 करते हैं, तो सिचुएशन तो वही बनता, बाकी सब कुछ नेगेटिव में आता क्या फोकस? हाँ उस और दूसरे साइड आ जाता। अच्छा हाँ सर, बाकी सब कुछ सेम आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मान लो ऐसा होता इसका म्यू है 4/3, इसका म्यू है 2, थिन लेंस है, इसका रेडियस 30 और इसका रेडियस 60। अब बताने क्या आएगा फोकस क्या आएगा? सेंटीमीटर आ रहा है, ओके। वन बाई एफ इज म्यू 2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो म्यू 2/μ1 क्या हो जाएगा 4/3/2 - 1। r1 को निगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे? नेगेटिव। और r2 को पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये बन गया 4/6, दैट इज 2/3 - 1। 2/3 - 1 इज -1/3 और ये बन गया एलसीएम ले लो 60, तो ये क्या आ जाएगा -2 - 1। तो क्या आ गया आंसर? -1 - -3/60 × 3। तो क्या आ गया 1/f = 1/60। यहाँ पर क्या हुआ? दो कॉनकेव लेंस था, स्टिल फोकल लेंथ क्या हुआ? पॉजिटिव आया। फोकल लेंथ इसका यहाँ पर आ रहा है जो मेरा प्राइमरी फोकस है 60 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने क्या लिखवाया था, मैंने जब वो रे का लिखवा रहे थे तो मैंने लिखवा रहा था बार बार म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, है ना? तो यहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हमेशा कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नहीं होगा, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, राइट? वो म्यू पे डिपेंड करता है, वो सराउंडिंग म्यू पे डिपेंड करेगा। तो फोकस नेगेटिव आ गया मतलब वो डाइवर्ज कर लेगा ना? फोकस नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग, फोकस पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग। सर प्रॉपर्टीज दोनों के एक्सचेंज हो जाएंगे ना बैक साइड? हां प्रॉपर्टी क्या, फोकस नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये भी तो है कि वो दूसरे साइड में होगा। हां दूसरे साइड में होगा, फोकस इधर होगा फिर अगर नेगेटिव आया। हां तो सर वो भी तो रियल ही है ना, अगर फोकस इधर आया तो रेज क्या होगा, यहां से डाइवर्ज करेगा ना, तो फिर तो डाइवर्जिंग लेंस ऐसा काम। रेज का डायरेक्शन तो हम लोग फॉर्मूला में कहीं लेते हैं नहीं, तो कैसे बोल रहे हैं? अगर तुम्हारा फोकस इधर आया, ठीक है? यस सर। तो अगर तुम्हारा रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे? हाँ सर। तो देखो यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा तभी तो इमेज फोकस पे बनाएगा ना, अदरवाइज फोकस पे कैसे बनाएगा इमेज? व्हाट इज सर, वो सामने वाले पे बना देगा। हाँ सामने सामने वाले मतलब इस वाले फोकस पे। तो अगर इस वाले फोकस पे बनाया तो फोकस पॉजिटिव हो गया, तो तुम्हारा नेगेटिव कहाँ रहा फिर फोकस? हाँ सर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे, ठीक है? यस। तो डिपेंड करता है देखो यहाँ पर, जैसे कॉन्वेक्स है अगर ऐसा सरफेस है, कॉन्वेक्स है इधर म्यू वन है इधर म्यू टू है यहाँ म्यू वन है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? अगर म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन तो ये कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग जैसा,
लेकिन वही sir, अगर तो हम वो प्लेनो कॉन्वेक्स वगैरह के लिए फोकस फाइंड करके फिर 1/v - 1/u करेंगे. अगर म्यूटू छोटा हुआ तो ये कैसा बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग जैसा. सेम गोज ऑन विथ कॉनकेव लेंस. म्यूटू है, ये म्यूवन है. अगर म्यूटू बड़ा हुआ तो ये डाइवर्जिंग जैसा बिहेव करेगा. और अगर म्यूटू छोटा हुआ तो ये कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग जैसा. तो ये फील आ रहा है कि कब कन्वर्जिंग होगा कब डाइवर्जिंग होगा? हाँ सर. जब ना नॉर्मल सिचुएशन पर है कि ग्लास का होता है बाकी एयर है तो वो कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है क्योंकि वो म्यूटू ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन. हमारे पास एक लेंस है, वो एयर में रखा हुआ है. एयर एयर और इसका म्यू जो है ये ग्लास का बना हुआ है एंड इट इज 3/2. तो इस कंडीशन में इसका फोकल लेंथ आ रहा है 20 सेंटीमीटर. तो अगर इस लेंस को हम लोग वाटर में डाल दें, वाटर वाटर और ये ग्लास है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? सर पानी का म्यू क्या था? 4/3. सर फोकल लेंथ तो सेम ही होएगी ना? नहीं, फोकल लेंथ डिपेंड करता है मीडिया पे. म्यू का आ रहा है ना उस रिलेशन में. सर रेडियस कैसे सेम है? हाँ, उसी लेंस को पानी में डाला ना. सर दोनों सरफेस के अगर तुम उसी लेंस को पानी में डाले हो तो रेडियस कैसे चेंज हो जाएगा ये बताओ. सर लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली. हाँ हाँ हाँ. अच्छा ये दोनों वो मुझे नहीं पता. अच्छा वैसे वो R1 R2 है. R1 R2 का वैल्यू नहीं पता. दिस इज R1 दिस इज R2. R1 R2 इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सर 80 है क्या? कितना? 80. कैसे किया? सर मैंने 1/R1 - 1/R2 का वैल्यू फाइंड किया ऊपर वाले एफ में सब्स्टिट्यूट. अच्छा मतलब ठीक है. और डाल के और नीचे वाले में डाल दिया. फाइन. मुझे तो 90 आ रहा है. चलो देखते हैं कैसे. 80 आ रहा है. चलो देखते हैं कैसे करना है. 1/f एयर मतलब फोकल लेंथ इन एयर इज म्यू रिलेटिव बाय 1. म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा? 3/2 - 1 इनटू 1/R1 - 1/R2. पहला इक्वेशन. 1/f इन वाटर इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव 3/2 / 4/3 - 1 इनटू 1/R1 - 1/R2. दिस इज सेकंड इक्वेशन. दोनों का रेशियो ले लो. F water
by F air is equals to 3 by 2 minus 1 is half upon ये क्या बन जाएगा 9 by 8 3 3 9 9 by 8 minus 1 1 by 8 तो F water by F air आ गया क्या 4 fine sir थोड़ा सा ऊपर एक मिनट तो F water आ गया 20 20 into 4 that is 80 something Done? Yes, sir. Okay, next question. अच्छा यहाँ पर ध्यान दो मतलब कुछ तो हो रहा है एक चीज बार बार हम लोग क्या ले रहे हैं कि इस साइड का म्यू और इस साइड का म्यू सेम इक्वल व्हाट इफ अलग हो सर तो अपना वो सबसे पहले वाला जिससे डिराइव किया वैसे करेंगे Exactly. तो वो हम लोग next या next to next class में discuss करते हैं वो curved surfaces वाले formulas हाँ let's say इसका refractive index है 3 इसका radius दिया हुआ है 20 centimeter बताना है focal length क्या होगा इसका सर 3 तो होता नहीं है ना किसी चीज का Highest 2.42 होता है हाँ सर ठीक है यार अब मैं 2.5 लूंगा तो यार वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो हाँ मतलब डेटा सिंपल होना चाहिए इसमें क्या दिक्कत है वो तो जीरो ही बन जाएगा ना वन बाय इन्फिनिटी माइनस वन बाय आर टू आर टू क्या पुट किया माइनस 20 या प्लस 20 माइनस 20 आ गया वन बाय टू into 1 by 20 तो यहाँ से क्या बन गया f equal to 40 सेम आया या अलग आया सेम आया फाइन इसमें रे डायग्राम बना के दिखो ना हाँ तो हमने क्या किया ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पुट किया तो रे यहाँ आया अब क्योंकि ये नॉर्मली हिट किया है तो ये सीधा जाएगा यहाँ पे यहाँ पर बेंड नहीं करेगा अब यहाँ के बाद F पॉजिटिव 40 आया है तो यहाँ से ऐसा बेंड करेगा सच दैट दिस डिस्टेंस विल बी 40
जब हम लोग ये लेंगे जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए कोई प्रूफ किया था क्या? हाँ ये वाला, इसके लिए आया था F12। तो अगर हम लोग ऐसा रे लें तो ये यहाँ पर भी बेंड करेगा और यहाँ पर भी बेंड करेगा, दो बार बेंड होगा इसमें, लेट्स से ऐसा, ठीक है, इस सरफेस पे भी बेंडिंग होगा और दूसरे वाले सरफेस पे भी बेंडिंग होगा, लेकिन यहाँ पर जो पहला वाला सरफेस है फ्लैट है तो वहां से सीधा निकल जाएगा रे, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग हिट किया है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। फाइन डन। अब कुछ कुछ रेट है, अगर मुझे ये नहीं पता है कि रेडियस क्या है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि वो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, मान लो ये एक लेंस है ऐसा, किसका रेडियस ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, R1 या R2? Let's say this is R1, R1 ज्यादा है यहाँ पे, मतलब फिगर से देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा बना लो ज्यादा क्लियरली दिखेगा। हाँ अब प्रॉपर क्लियर दिख रहा है, राइट? तो mod of R1 is greater than mod of R2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका भी μ1 है और यहाँ μ2 है। μ2 is greater than μ1, कैसा बिहेव करेगा ये, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। और किसी का डाइवर्जिंग कैसे चेक कर दूं? चल वो नॉर्मल वाला ड्रॉ करके। नहीं नहीं नहीं, ऐसे चेक करो, 1/F is μ2/μ1-1 इंटू 1/R1-1/R2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब जो मुझे पता है म्यू टू बड़ा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। 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 अब R1 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? दोनों नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है और बीच में एक माइनस है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, राइट? अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, 1/R1 और 1/R2 में मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा? R2 ज्यादा बड़ा होगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मतलब R2 छोटा है, हाँ, तो 1/R2 क्या होगा, बड़ा होगा, फाइन? यस। अब देखो 1/R1-1/R2, तो यहाँ पर ये वाला क्वांटिटी क्या दे रहा है मुझे, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू? नेगेटिव। नेगेटिव, और ये वैल्यू मुझे क्या दे रहा है माइनस के साथ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब कौन बढ़ा है, पॉजिटिव वाला वैल्यू बढ़ा है या नेगेटिव वाला वैल्यू बढ़ा है? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, TL फोकस, एफ पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कन्वर्जिंग। ये समझ में आया या बाउंस कर गया? समझा सर। ऐसा एक दो क्वेश्चन और करता है, किसी को नहीं समझ में आया बताओ, हैंड रेस करो जिनको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो बस मुझे जब भी ऐसा पूछेगा ना कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है तो मैं दोनों टर्म को देखूंगा कि वो कैसा दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, क्या दे रहा है बेसिकली। वो R2 वाला और एक बार समझो। हाँ ये देखो, मैं पूरा ही ये सेकंड वाला टर्म समझाता हूँ।
ये देखो हमें ये पता है कि R1 is greater than R2, right? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। नहीं, अब देखो, अगर R1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है R2 से, तो 1 by R1 और 1 by R2 में कौन बड़ा होगा? R2। 1 by R2 वाला बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम इनवर्स लेते हैं तो अगर R2 बड़ा है तो 1 by R2 छोटा हो जाएगा, सॉरी R2 छोटा है तो 1 by R2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटे क्वांटिटी से तुम डिवाइड कर रही हो 1 को, फाइन। अच्छा अब देखो दो टर्म है तुम्हारे पास, 1 by R1, मैं इसको दो टर्म में डिवाइड कर रहा हूँ, लेट्स से एक पार्ट ये है 1 by R1 वाला और दूसरा पार्ट ये है माइनस 1 by R2 वाला, तो 1 by R1 कैसा क्वांटिटी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? R1 क्या है, नेगेटिव? हाँ नेगेटिव। तो 1 by R1 भी नेगेटिव हो गया। अब R2 क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो 1 by R2 भी नेगेटिव हुआ, लेकिन माइनस 1 by R2 क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस 1 by पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव। अब बड़ा कौन है, पॉजिटिव वाला बड़ा है, फाइन, 1 by R2 बड़ा है, तो पॉजिटिव में से तुम नेगेटिव, बड़े पॉजिटिव में से छोटा नेगेटिव वैल्यू घटाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा? हां। ओके, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव हो गया। ओके सर। ओके, एक एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। मान लो ऐसा ये ऐसा है और ये इस टाइप का, आर वन आर टू कौन सा बड़ा है, आर वन या आर टू? आर वन। मुझे आर वन का मॉड पता है कि आर टू के मॉड से बड़ा है। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू म्यू वन म्यू वन, मुझे ये पता है म्यू वन इज लेस देन म्यू टू, तो ये कन्वर्जिंग बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग बिहेव करेगा? सर डाइवर्जिंग होगा क्या? डाइवर्जिंग और डाइवर्जिंग सर। ओके, ये वाला क्वांटिटी क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। अच्छा, मैंने म्यू टू को बड़ा दे दिया है। ओके, तो ये क्वांटिटी आ गया पॉजिटिव। अब आर वन, वन बाई आर वन पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, और वन बाई आर टू वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, और माइनस के साथ ले लो तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा माइनस के साथ, राइट? यस सर। अच्छा, अब कौन बड़ा है, 1 by R1 बड़ा होगा या 1 by R2 बड़ा होगा? 1 by R2 बड़ा होगा, तो R1 बड़ा है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 1 by mod R1 will be less than 1 by mod R2, तो 1 by R2 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी बड़ा है। हां, तो ये क्वांटिटी क्या हो गया ओवरऑल, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब डाइवर्जेंस। फाइन, किसी को कोई डाउट? तो नेक्स्ट, व्हाट इफ अगर हम लोग ऐसा काम करें, ये एक लेंस रखा इसको मैं तीन अलग अलग मीडियम से बनाया हूं, लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन,
म्यू टू, चार कर देते हैं, म्यू थ्री, म्यू फोर. अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखें म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर कोई भी बराबर नहीं है, तो कितने इमेजेस बनेंगे? कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे? चार. चार, एक म्यू वन के लिए, लेट्स से म्यू वन के लिए ये दो रे लिया और ये दोनों रे यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो म्यू वन के लिए कहीं यहाँ इमेज बनेंगे, म्यू टू के लिए कहीं यहाँ इमेज बन गए. लेट्स से एक रे तो कॉमन ले लो नीचे वाला प्रिंसिपल एक्सिस से, म्यू थ्री के लिए लेट्स से यहाँ इमेज बन गए और म्यू फोर के लिए लेट्स से यहीं पे इमेज बन गए. तो वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि इमेज कहाँ बनेगा. और कितने बनेंगे? जैसे सारों के लिए क्या होगा, फोकल लेंथ अलग अलग होगा. म्यू वन के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? वन बाई एफ वन इज इक्वल्स टू म्यू वन बाई लेट्स से म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू. F2 क्या होगा? म्यू टू बाई म्यू माइनस, बेसिकली वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू सब में ही कॉमन रहेगा, है ना? हाँ सर. तो बस वो म्यू का फैक्टर एक्सचेंज कर रहा है. तो उसके लिए चारों के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा. तो फोकल लेंथ अलग अलग है, यू सेम है, तो चारों के लिए वी क्या होगा? अलग अलग जगह बनेगा. ठीक है. अब मान लो कि लेट्स से म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर चारों जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू, चारों म्यू से बड़ा है, तो हमको अरेंज करना है. अरेंज कर सकते हैं क्या म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर को अरेंज कर सकते हैं क्या? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा? हाँ सर, थोड़ा मेहनत लगेगा बट कर सकते हैं. आपने क्या बोला फिर से रिपीट कीजिए ना. हाँ, जो हमें ये पता है कि म्यू वन का जो इमेज है वो यहाँ बना, राइट? इमेज ऑफ म्यू वन, इमेज ऑफ म्यू टू जो बना वो यहाँ बना, इमेज टू, इमेज ऑफ म्यू थ्री वाले मीडियम का यहाँ बना और फोर्थ का यहाँ बना. तुमको फाइंड करना है कि म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर में से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सब, मतलब बेसिकली अरेंज करना है असेंडिंग क्रम. म्यू थ्री सबसे बड़ा है, फिर म्यू वन, फिर म्यू टू, फिर म्यू फोर. म्यू थ्री सबसे कम होगा सर, उल्टा होगा. क्या बोलती है उसमें? नहीं बट बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, तो फोकल लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसी का म्यू सबसे ज्यादा होगा. म्यू से बेंडिंग ज्यादा होती है, जितना ज्यादा म्यू हमारे पास फॉर्मूला है, कोई भी एक फॉर्मूला उठा लेते हैं इसमें से, लेट्स से ऊपर वाला. तो अगर मेरा म्यू वन ज्यादा होगा, तो म्यू वन ज्यादा होगा तो क्या होगा? म्यू वन बाई म्यू, ये क्वांटिटी बड़ा होगा. ये क्वांटिटी अगर बड़ा होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी बड़ा होगा. और फोकल लेंथ क्या होगा? इसका इनवर्स छोटा हो जाएगा. फोकल लेंथ छोटा होगा, तो फोकल, अगर म्यू बड़ा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा और रे यहाँ पर बेंड करेगा, पास बेंड करेगा. यस सर. ठीक है. तो एक बार बिल्कुल आराम से सोचना, कुछ डेटा लेके भी प्रूफ करके देखना. मतलब एक बार तो आराम से सोचना पहले विदाउट डेटा कि क्या होगा म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, और फिर एक बार डेटा लेके वापस से सॉल्व करके देखना है क्या बन रहा है. फाइन. तो ये रहेगा तुम लोग का होमवर्क. अच्छा, लास्ट वाला होमवर्क जो था वो दोनों एक्सरसाइज हुए सॉल्व? सर वो सॉल्व कर रहा था बट उसमें फाइनल आंसर्स अलग अलग आ रहे थे दो तीन में. हाँ, मतलब कैलकुलेशन में शायद से कुछ मिस्टेक हो गया, तो आप एक दिन उसके डाउट्स ले सकते हैं क्या?
हां उसके डाउट्स इज इन तुम्हारा डाउट्स जानो कौन डाउट्स इन का है तुम्हारा ओके आज ही है नहीं आज पेपर डिस्कशन आज तो पेपर डिस्कशन रखा है यार ठीक है एक दिन डाउट्स इज इन रखते हैं उसमें हम लोग डाउट्स लिख लेंगे फाइन ओके सर यस ओके आज की क्लास में किसी को कोई डाउट नो सर एक बार वो एक्सरसाइज